टाइटन रील मैन वर्सेस टाइटन टीवी मैन। बूम द्वारा शुरू की गई स्किबिडी टॉयलेट सीरीज को अब तक आपने देख ही लिया होगा, पर स्किबिडी सीरीज की सक्सेस को देखते हुए इसके मल्टीवर्स बन चुके हैं जिनमें नए नए टाइटन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि डॉम स्टूडियोज द्वारा क्रिएटेड ड्रिल मैन की बात करें तो इसकी गिनती भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन में से की जाती है। इस टाइटन के पास कुछ ऐसे अनोखे पावर्स हैं जिस प्रकार की शक्तियां हमें बूम के बनाए यूनिवर्स में से किसी भी टाइटन्स में देखने को नहीं मिलती। ऐसे में क्या हो जब डॉम स्टूडियो का ये हीरो जाभिड़े टाइटन कैमरामैन, टाइटन स्पीकर मैन तथा टाइटन टीवी मैन से किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हाँ, वीडियो को लाइक करना इस बार ना भूलें। ओरिजिन स्टोरी ऑफ स्किबिडी ड्रिल मैन। एक शांतिपूर्ण शहर में जेम नाम का एक साधारण सा मैकेनिक रहता था, पर अचानक एक दिन उसके शहर में कुछ रहस्यमयी तथा अज्ञात जीवों का हमला होता है और वो रहस्यमयी जीव कोई और नहीं बल्कि स्किबिडी टॉयलेट्स होते हैं। जो भी शहरवासी इन टॉयलेट्स के समक्ष आते हैं वे इन टॉयलेट्स द्वारा कुचले जाने के बाद ठीक इन्हीं की तरह बन जाते हैं और इस प्रकार पूरे शहर में स्किबिडी टॉयलेट्स का खौफ तथा आबादी अनियंत्रित तरीके से बढ़ती जाती है, क्योंकि स्किबिडी से अनजान लोग इस प्रकार के खतरे से वाकिफ नहीं थे। उन्हीं में से एक जैक भी था जिसे इस संघर्ष के दौरान गंभीर चोटें आती है। घाव इतना गहरा था कि उसने उम्मीद तक छोड़ दी कि मैं बच पाऊंगा, साथ ही मदद के लिए दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक बड़े पैमाने पर कैमरे जैसे दिखने वाले कुछ लोग हेलीकॉप्टर से शहर पर उतरते हैं। उनका मिशन था कि शहर के सभी स्किबिडी टॉयलेट्स को मार भगाया जाए और जितना संभव हो अधिक से अधिक लोगों की जान बचाएं। कैमरामैन ने सभी राक्षसों को मारने के लिए प्लाज्मा वाले हथियारों का इस्तेमाल किया और उसी दौरान उन्होंने जैक को इस हालत में देखा। हालांकि कैमरे की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को देखकर जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जैक की चोट काफी गंभीर थी इसलिए कैमरामैन के पास जैक के सिर का ऑपरेशन करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा था। पर यह ऑपरेशन एक एक्सपेरिमेंट भी थी क्योंकि उन्होंने जैक के सिर को एक ड्रिल से रिप्लेस कर दिया, यानी जैक अब ड्रिल वाला साइबोर्ग में बदल चुका है। पर इस नए बदलाव से जैक निराश नहीं हुआ क्योंकि इस बदलाव ने जैक को इतनी ताकत दी कि वो बड़ी आसानी से स्किबिडी टॉयलेट्स का सामना कर सके। पर जैक अपनी नई एबिलिटीज और स्किबिडी टॉयलेट्स के प्रति नफरत की वजह से देखते ही देखते ये कई स्किबिडी टॉयलेट्स का संहार कर देता है और लोगों के बीच ये इतना मशहूर हो जाता है कि सभी इसे ड्रिल मैन के नाम से पुकारने लग जाते हैं। हालांकि डॉम स्टूडियो में जब इसे एपिसोड 14 में दिखाया जाता है तब ये काफी छोटा था और बाकी टाइटन्स के मुकाबले ये काफी कमजोर था, पर एपिसोड 20 में दिखा ड्रिल मैन अपग्रेड होकर टाइटन ड्रिल मैन में तब्दील हो चुका है तथा इनकी शक्तियां इस हद तक बढ़ चुकी है कि शायद ही कोई इसका सामना कर पाए। वहीं आप टाइटन स्पीकर मैन, कैमरा मैन तथा टाइटन टीवी मैन की ओरिजिन स्टोरी को आपने हमारे पुराने वीडियोस के माध्यम से जान ही लिया होगा, इसलिए कीमती वक्त को न बर्बाद करते हुए बात करें सभी के पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो टाइटन ड्रिल मैन बाकी किसी भी टाइटन से ज्यादा बड़ा तथा यूनिक है। इसका सिर एक विशाल ड्रिल नोजल की तरह है तथा इसके चेस्ट पर भी तीन छोटे ड्रिल्स की तरह स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके हाथ भी ड्रिल मशीन की तरह कार्य करते हैं, पर अपने शारीरिक रूप से अलग इसकी हटपन तथा निडरता इसे साक्षात नारंगी यमदूत बनाती है। इसके आर्म्स इस प्रकार से डिजाइंड है कि कई फीट दूर जाकर ये दुश्मनों को पकड़ सकते हैं। इसके चेस्ट से निकलने वाली लेजर से सिर्फ शील्ड का इस्तेमाल करके बचा जा सकता है, वरना मौत तय है। पर इसकी विशेष खूबी है इसकी ड्रिल की पावर, क्योंकि एक जगह खड़ा होकर अगर ये ड्रिलिंग करे तो इसे जहां तक नजर आती है मनचाहे स्थानों पर ऑटोमेटिक गहरी खाई बन जाती है, यानी एक प्रकार से बिना पोर्टल क्रिएट किए ये कहीं भी एक जगह खड़ा होकर ड्रिल कर सकता है। इसके अलावा इसके पीठ से मिसाइल भी लॉन्च हो सकते हैं और ये ड्रिल करके कहीं भी गायब होकर किसी दूसरे स्थान पर प्रकट हो सकता है। इसके साथ ही अपग्रेडेड टाइटन ड्रिल मैन पर किसी भी प्रकार के हथियार, चाहे वो बम हो या रॉकेट हो, इसे एक खरोच तक नहीं दे पाते। इसके अलावा ये अपने हेड को किसी राक्षस की भांति खोलकर एक साथ कई स्किबिडी टॉयलेट्स के टुकड़े कर सकता है। इसके हाथों से निकली जंजीर के शुरुआती भाग इतने नुकीले और मजबूत होते हैं जिससे ये सभी टॉयलेट्स के सिर को चीरते हुए उसे अपनी ओर खींच सकता है। ये नारंगी यमराज विशाल तो है ही, पर इसके शरीर के ऊपरी पोर्शन, चाहे वो कंधे, पीठ या सिर हो, से नुकीले ड्रिल निकले हुए होते हैं जिससे ये पता चलता है कि इसका निर्माण तो लड़ने के लिए ही हुआ है।
तथा इससे शायद ही कोई जीत पाए। लेकिन उससे पहले बात करें टाइटन स्पीकर मैन के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो टाइटन स्पीकर मैन हमें दिखा एपिसोड 51 में, जहां ये आते ही अपने हैंड कैनन और जेट पैक्स दिखा देता है। वहीं एपिसोड 56 में दिखा स्पीकर मैन तो स्किबिडी यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन बन जाता है, क्योंकि ये विशाल है, ये उड़ सकता है, ये तेज भाग सकता है और इसकी आवाज किसी के भी कान के पर्दे फाड़ सकती है। इसकी सोनिक वेव्स इतनी खतरनाक होती है जो जायंट टॉयलेट को भी आसानी से खत्म कर दे। यहाँ तक कि इसमें इतनी क्षमता है कि यह मिनटों भर में पूरे शहर को वीरान बना सके। इसी वजह से टाइटन स्पीकर मैन जब स्किबिडी टॉयलेट्स के कंट्रोल में होता है, तब टाइटन कैमरामैन के टीम भी इसके आगे टिक नहीं पाते। अब बात करें टाइटन कैमरामैन के एबिलिटीज की, तो टाइटन कैमरामैन हमें सबसे पहले एपिसोड 18 में दिखा और एपिसोड 19 में वो अपनी छाती पर लगे रिएक्टर से हीट बीम निकाल कर एक स्किबिडी टॉयलेट का दोहन कर देता है, और एपिसोड 20 में वो उड़ने के लिए रॉकेट्स यूज करता है। फिर एपिसोड 20 में ये अपने अंगुलियों से एक्सप्लोजिव फायर ब्लास्ट कर सकता है, पर एपिसोड 50 में दिखा ये टाइटन और भी ताकतवर बन जाता है। साथ ही इसके पास आ जाती है फ्लैश कैनन और एक रॉकेट बूस्टर्ड हैमर तथा इसकी छाती से लगे रिएक्टर से काफी खतरनाक आग वाली शक्ति, और सबसे खास इसका दाहिना हाथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बदल जाता है, जिस वजह से ये लोहे की बनी चीजों को अपनी ओर बड़े आसानी से आकर्षित कर सकता है। बात करें टाइटन टीवी मैन के एबिलिटीज के बारे में, तो हमें इसकी पावर्स एपिसोड 41 में देखने को मिली, जिसमें ये टीवी फ्लैश का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद एपिसोड 44 में ये 3 मेगा स्पीकर भी इंस्टॉल कर लेता है, जो इसकी फ्लैश लाइट को बूस्ट तो करती ही है, साथ ही इसमें साउंड वेब अटैक करने की भी एबिलिटी आ जाती है। एपिसोड 40 में हम देखते हैं कि इसके पास एक रॉकेट भी है, लेकिन टीवी मैन उसे सिर्फ उछलने के लिए इस्तेमाल करता है। साथ ही इसकी शोल्डर प्लेट्स हमले भी कर सकती है, ये कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। यहाँ तक कि ये एकमात्र ऐसा टाइटन है जिसने साइंटिस्ट किबिडी को अपने नियोन तलवार की मदद से हराया है, और बोम यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन में इसकी गिनती पहले नंबर पर की जाती है। यानी सभी बातों की तरफ ध्यान दें तो इतना आप जान ही गए होंगे कि टाइटन ड्रिल मैन अपने अनोखी खूबियों की वजह से अकेले ही पूरे टॉयलेट आर्मी को चुनौती देने की ताकत रखता है, एवं इसकी आकार व शक्ति टाइटन स्पीकर मैन तथा टाइटन कैमरा मैन से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए इस ट्राई बैटल में ये तो निश्चित है कि टाइटन ड्रिल मैन कैमरा मैन और स्पीकर मैन को थोड़ी बहुत मुश्किलों के साथ हरा सकता है, पर जब बात आएगी अपग्रेडेड टाइटन टीवी मैन की, तो ये मुकाबला लगभग टक्कर का होने वाला है। पर सभी जानते हैं कि चाहे ड्रिल मैन के पास कितने भी यूनिक एबिलिटीज क्यों ना हो, पर जिस प्रकार की ताकत टाइटन टीवी मैन पोजेस करता है, ये अंत में टाइटन ड्रिल मैन को हरा ही देगा, क्योंकि हिप्नोसिस तथा टेलीपोर्टेशन की पावर टाइटन ड्रिल मैन के पास भी नहीं है, जबकि टाइटन टीवी मैन को उसकी इन्हीं पावर्स के लिए जाना जाता है। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।